सो शेखर जहाँ तक मैं तुमको बहुत साल से जानता हूँ, इस फील्ड में तुम काफी टाइम से काम कर रहे हो और अच्छा खासा काम कर रहे हो, मतलब रेगुलर शोज कर ही रहे हो जी, उसके बावजूद तुमको ऐसे क्यों लगा कि स्कूल ऑफ साउंड आर्ट में जाना चाहिए? सर एक्चुअली क्लासेस ज्वाइन करने का मुझे एक रीज़न ये था कि इतने साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे काम किया, सब अच्छे काम किए, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि जो दूसरे अच्छे अच्छे इंजीनियर जो साउंड में क्लियरिटी देते थे वो सेटिस्फेक्शन मेरे साउंड में नहीं मुझे मिला आज तक। काम तो हुआ, क्लाइंट भी खुश थे और ऑर्गेनाइजर भी, सब क्लाइंट भी खुश था, पैसे भी आ रहे, पर इंटरनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। पर यहाँ पे आने के बाद आपने जिस तरीके से मुझे सिखाया है जो एक्चुअल स्टार्ट टू एंड साउंड क्या होता है, उसका लाइनअप क्या होता है, एनालॉग मिक्सर से डिजिटल मिक्सर तक का प्रोसेसिंग क्या होता है, वो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला है। और वो सब सीखने के बाद जो कंप्रेसर गेट और जो पैरामेट्रिक इक्यू वो सब सीखने के बाद अभी जो मेरा साउंड का आउटपुट आता है उसका क्लैरिटी पहले से 80% डिफरेंट है। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं इधर आया हूँ, बहुत सारा कुछ चीज़ें सीखा हूँ। पहले तो मैं काम करता था, अभी वो काम में बहुत पॉलिश हुआ हूँ, तो अभी मेरे क्लाइंट भी बहुत सेटिस्फाइड है। मतलब डिफरेंस पता चल रहा है अभी, yes, तुमको खुद yes, को पता चल रहा है कि पहले कैसे काम करता था और अभी क्या, और कैसे क्या काम हो रहा है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। अभी मैं कोई भी शो पे मैं बिंदास कर सकता हूँ, कोई भी बोर्ड पे काम कर सकता हूँ। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, क्योंकि वही हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट इसी तरह काम करें। यस सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच।